चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं सिंगल सेक्शन डिजिटल एक्सेल काउंटर। पिछले क्लास में हम लोग सिग्नलिंग सिस्टम का डाटा लॉगर पढ़े थे, आज हम लोग पढ़ते हैं सिंगल सेक्शन डिजिटल एक्सेल काउंटर। तो जैसा कि इस डायग्राम में आपको दिख रहा है, सिंगल सेक्शन डिजिटल एक्सेल काउंटर वो का शॉर्ट फॉर्म है SSDEC। SSDEC का मतलब होता है सिंगल सेक्शन डिजिटल एक्सेल काउंटर। SSDEC का मतलब होता है SSDEC सिंगल सेक्शन डिजिटल एक्सेल काउंटर, सिंगल सेक्शन डिजिटल एक्सेल काउंटर। आज जो हम लोग पढ़ेंगे ये एक्सेल काउंटर है सेल मैक। आज जो हम लोग पढ़ेंगे ये है सेल CEL मैक। सेल एक कंपनी के नाम है, दिस इज द सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, वो सेल मेक। हम लोग डिजिटल एक्सेल काउंटर के बारे में पढ़ेंगे। तो डिजिटल एक्सेल काउंटर जो हम लोग यूज करता है किसके लिए यूज करते हैं, इसका मेन फंक्शन क्या है और उसका फीचर्स क्या क्या है और उसका मेन प्रयोग क्या होता है हमारे सिग्नलिंग सिस्टम में, सेफ्टी से रिलेटेड क्या उसका वर्क है और उसके साथ हमको रेगुलर मेंटेनेंस में क्या करना है क्या नहीं करना है, इस बारे में ओवरव्यू हम लोग थोड़ा बहुत जानकारी प्राप्त करेंगे आज के इस क्लास में। तो सबसे पहले मैं ओवरव्यू बता दूं, आप लोगों को सबको आइडिया भी है फिर भी बता दें कि जैसे मान लिया जाए ये आपका एक ट्रैक है जो एक सिंगल लाइन सेक्शन बोला जाए। सिंगल लाइन सेक्शन मतलब ये आपका डाउन लाइन या अप लाइन जो भी बोलें एक लाइन है, और ट्रेन की मूवमेंट आप किसी भी मूवमेंट डायरेक्शन से करा सकते हैं, या वो सिंगल लाइन हो या डबल लाइन हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल सी बात है कि ये एरिया आपका स्टेशन ए है, ये एरिया आपका स्टेशन बी है। जैसे मान लिया जाए ये भोजूडी है, ये संतालडी है, इस दोनों के बीच में 6 किलोमीटर की दूरी है। तो गाड़ी जब भोजूडी से गई और संतालडी पहुंचा कि नहीं, इस बारे में पहले जो जानकारी मिलता था स्टेशन मास्टर को या स्टाफ को, वो बाय मैनुअल प्रैक्टिस था। मैनुअल प्रैक्टिस मतलब उसके लिए हम लोग का एक ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ था, तो कभी कभी ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट में भी फेल भी कर गया या किसी कारण से मैनुपुलेट भी हो गया, तो सेक्शन में गाड़ी है या नहीं है 100% इसका गारंटी स्टेशन मास्टर ही देता था कि हाँ गाड़ी हमारे यहाँ पूरा इन हो गया या फिर गाड़ी नहीं आई है। तो कभी कभी क्या हुआ कि गाड़ी आप एक सेक्शन में ही है लेकिन स्टेशन मास्टर चेंज हो गया। जैसे मान लिया जाए आपका 2 बजे शिफ्ट चेंज होता है स्टेशन मास्टर का, 1:55 में कोई गाड़ी संथालडी भोजूडी से छोड़ा था, 2 बजे शिफ्ट चेंज वगैरह करके स्टेशन मास्टर लोग चला गया आपस में, कोई किसी को कुछ नहीं बोला, संथालडी वाला भी चला गया भोजूडी चला गया, नया नया स्टेशन मास्टर आ गया है। उसी पीरियड में क्या हुआ, मे बी ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट का कुछ फेल्योर था या कोई उसमें मास्टर आदमी थे मैनिपुलेट, वो आपका जो इधर संथालडी से 12 करके रखा था उसको नॉर्मल कर लिया। अब कैसे नॉर्मल किया इसकी पता नहीं, जिस तरह भी किया हो, और जैसे ही नॉर्मल कर लिया इसका मतलब भोजूडी वाले को ये पता चल गया कि हमारा जो गाड़ी भोजूडी से छोड़े थे वो संथालडी में इन कर गया है, और संथालडी वाले ने तो जो नॉर्मल कर दिया है। अब क्या होगा कि जब दूसरी गाड़ी भेजनी है तो ये संथालडी को बोलेगा लाइन क्लियर दीजिए, वो जैसे वो लाइन क्लियर दिया, इधर से जब ड्राइवर जा रहा है तो देख रहा है कि आपके गेट के पास एक गाड़ी खड़ी है या फिर होम के पास खड़ी है, गाड़ी घुसा नहीं, तो ये सब दुर्घटनाएं होने का चांस पहले था। अभी उसी को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसी दुर्घटना को कम करने के लिए आप टेक्निकल रूप से सिग्नलिंग डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हो गए। स्टेशन मास्टर के द्वारा ह्यूमन एरर से गलती ना हो या किसी और मेन के कारण गलती ना हो, उसको अवॉइड करने के लिए आपके पास ये सिस्टम है एक्सेल काउंटर। तो ये क्या करेगा कि जब गाड़ी आपका भोजूडी से छोड़ा, मान लीजिए भोजूडी है, तो जैसे ही ये वाला जो पॉइंट है आपका एक्सेल काउंटर का डिटेक्शन पॉइंट है, इसके बारे में अभी हम लोग डिटेल पढ़ेंगे, इस पर जैसे ही गाड़ी क्रॉस करेगी तो ये पूरा ऑक्यूपाइड हो जाएगा। मतलब ये जो रिले एक यहाँ पे लगता है VR रिले, ये VR रिले ड्रॉप कर जाएगा, और जब तक आपका ये VR रिले ड्रॉप रहेगा ये कंट्रोलिंग है ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट, और इसका एक इंडिकेशन रिसेट बॉक्स भी आपका स्टेशन मास्टर के पास केबिन में है। तो ये VR रिले जब तक ड्रॉप रहेगा ये ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट भी काम नहीं करेगा, और स्टेशन मास्टर के पास ऑलरेडी एक इंडिकेशन रहेगा रेड कि गाड़ी इस सेक्शन में पड़ी हुई है। अब मान लीजिए 1:30 बजे या 2 बजे कोई स्टेशन मास्टर चला भी जाता है तो अगला अगर आएगा तो उसको कम से कम वो लाल तो दिखेगा कि नहीं, जो गाड़ी भोजूडी से गई है संथालडी अभी तक इन नहीं हुआ है, सेक्शन ऑक्युपाइड है। तो सबसे बड़ा मेन फीचर्स इसका
यही है कि आपका 6 किलोमीटर का एरिया में प्रीवियस ऑपरेशन जो हुआ था वो क्लियर हुआ कि नहीं, पहले जो ट्रेन डिस्पैच किए थे वो फुल्ली रिसेप्शन हुआ कि नहीं, उसको मॉनिटरिंग करने के लिए ये सिस्टम लगाया गया है। और ये बहुत ही इफेक्टिव, और बहुत सारी कंपनियां मार्केट में हैं अभी, जैसे सेल है, अल्डाइन है, मेधा है, जीजी ट्रॉनिक्स है, फॉर्स्चर करके एक जर्मन कंपनी है, वो भी आ गया, हम लोग के पास नहीं आया अभी, लेकिन आधा डीवन में काम कर रहा है। तो ये सब कंपनियां की जगह अभी सेल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग के सेक्शन में बहुत सारे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स सेल के लग चुके हैं, तो बहुतों को इसके बारे में आइडिया नहीं है। जिसको आइडिया है अच्छी बात है, जो नहीं है उनके लिए भी बढ़िया बात है कि आज थोड़ा सा हम लोग सीख लेते हैं। तो सबसे पहला जो हम लोग चर्चा करेंगे कि ये जो SSDEC है इसमें इक्विपमेंट्स क्या क्या है। जो SSDEC हम लोग बोले, SSDEC मतलब पूरा यूनिट, तो SSDEC में इक्विपमेंट्स क्या क्या यूज होता है। इक्विपमेंट्स जो आपका यूज होगा, सबसे पहले आप यहां देख पा रहे होंगे एक यूनिट है SSDEC का और एक दो यूनिट है, ये दोनों यूनिट मिलके एक होता है, यानी SSDEC 2 यूनिट, पहला इक्विपमेंट तो आपका ये हो गया। दो यूनिट आपको SSDEC चाहिए, एक जिस इंड से एडवांस स्टार्टर पड़ेगा, जब गाड़ी जो जाती है एडवांस स्टार्टर से होम की तरफ जाती है, होम से एडवांस की तरफ आती है, गाड़ी एक स्टेशन से दूसरा स्टेशन एडवांस से होम की तरफ जाती है, इसलिए जो एडवांस स्टार्टर जहां रहेगा उसका यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्री इंड। इंट्री इंड यहां से सेक्शन में गाड़ी इन हुआ, और इसको बोलते हैं एग्जिट इंड। तो आपके पास दो SSDEC यूनिट चाहिए, एक इंट्री इंड के लिए, गुड, इंट्री इंड के लिए एंड एग्जिट इंड, एक एंट्री इंड के लिए चाहिए, दूसरा आपका एग्जिट इंड के लिए चाहिए। दूसरा जो आपको चाहिए इक्विपमेंट, वो इक्विपमेंट है ये जो आप देख रहे हैं VR बॉक्स, इसमें दो रिले रहता है VR बा PR, प्रिपरेटरी रिसेट, रिसेट लेने के लिए एक PR रिले चाहिए, और VR जो है वो कंट्रोलिंग रिले है, पूरा इक्विपमेंट का जो पर्पस है वो इस VR रिले से पता चलता है। तो आपको VR रिले बॉक्स चाहिए या यूनिट जो भी बोलिए। तीसरा जो इक्विपमेंट आपको चाहिए वो चाहिए, जो ये दो हो गया साइट इक्विपमेंट, ये दोनों इक्विपमेंट कहाँ रहता है, लोकेशन बॉक्स में, साइट में आपका, जहाँ पे ये ट्रैक डिवाइस लगेगा। और ये जो सिस्टम है VR SSDEC के बाद तीसरा, ये हमारा रहता है रीसेट बॉक्स, रीसेट बॉक्स ये कहाँ रहता है, SM बा केबिन के पास। और ये दोनों सिस्टम कहाँ रहेगा आपका, फील्ड पे, फील्ड यूनिट इसको बोलते हैं, फील्ड यूनिट। ये दोनों इक्विपमेंट, और ये तीन ही इक्विपमेंट है पूरा SSDEC में जो आपका यूज करना है। तो आखिर इस इक्विपमेंट को यूज कर रहे हैं, इसका मेन फीचर्स जो उपयोग अभी हमने आपको बताया कि कैसे गाड़ी को प्रोटेक्ट, एक तो वो हो गया, तो इसके क्या साइलेंट फीचर बोलेंगे, साइलेंट फीचर में क्या क्या आ जाएगा। सबसे पहला चीज कि ये जो है कोई भी व्हील का ट्रैक साइड में, यानी आपका कोई ट्रेन का पटरी है तो पटरी पे जो ट्रेन जाएगी उसका व्हील के काउंटिंग के हिसाब से इक्विपमेंट डिटेक्ट करता है। तो क्या लिखते हैं इसको, ट्रैक साइड इलेक्ट्रॉनिक्स काउंटिंग इक्विपमेंट। सबसे पहला क्या है, ये ट्रैक साइड इलेक्ट्रॉनिक्स काउंटिंग इक्विपमेंट। ये जो भी है, यानी ऐसा नहीं कि स्टेशन मास्टर के पास से एनालिसिस कर रहा है, फिजिकल ये ट्रैक डिवाइस जो है ये आपका व्हील का फिजिकल वेरिफिकेशन कर रहा है कि कितना चक्का उससे होके पार हुआ, ठीक है। दूसरा चीज इसका जो साइलेंट फीचर है, दैट इज द वेब एक्सल डिटेक्शन, वेब एक्सल डिटेक्शन, मतलब आपका एक ट्रैक का एक्सल किसको बोलते हैं, चक्का में जो लगा है कि कितना व्हील एक्सल पास कर रहा है, वो सबको डिटेक्ट करेगा। तीसरा चीज कि अभी इंडियन रेलवे में कितना टाइप का रेल यूज होता है, 3 टाइप का, 90R, 52 kg, 60 kg। तो ऐसा नहीं है कि किसी एक रेल के लिए अलग अलग इक्विपमेंट है, ये इक्विपमेंट आपका तीनों रेल में यूज हो सकता है, यानी कंपेटिबल विथ 90R, 60 kg एंड 52 kg रेल।
उसके बाद इसका साइलेंट फीचर्स में क्या हो जाता है, तीसरा चीज़ कि ये जो व्हील को डिटेक्ट करेगा, हमारा जो स्टैंडर्ड है वो ट्रेन का व्हील को देख के बनाया गया है, तो उसके लिए क्या है कि डिटेक्टिंग व्हील डाया मोर देन 400 mm, जो हमारा ट्रेन का व्हील का डाया है उसके आधार पे इसको बनाया गया है कि 400 mm से अधिक डायमीटर का अगर व्हील रहेगा, 40 cm यानी 20 cm रेडियस, 20 cm रेडियस से अधिक का व्हील अगर रहेगा सॉलिड, तो उसको ये डिटेक्ट कर लेगा। और छठा जो इसका सबसे बड़ा, जो इंडियन रेलवे में इसको लाने का एक वो भी कारण है ब्लॉक सेक्शन के अलावा, जो सबसे बड़ा फीचर्स है कि आपका यार्ड में ट्रेन है या नहीं है, इसका डिटेक्शन के लिए अभी तक कन्वेंशनल टाइप आप ट्रैक सर्किट यूज करते हैं। ट्रैक सर्किट का सबसे बड़ा डिमेरिट क्या है, बरसात के टाइम में अगर आपके यार्ड में वाटर लॉगिंग हो गया तो क्या एक ट्रैक सर्किट फेल कर जाएगा, उस चीज़ में ये सबसे बड़ा आपका इसका फीचर्स है कि वाटर लॉगिंग कंडीशन में भी ये एक्सल काउंटर उसी हिसाब से कोई विदाउट एनी एबनॉर्मलिटी काम करता है। तो ये उसका सबसे बड़ा फीचर्स, अगर ये यार्ड पूरा डूब भी जाए फिर भी किस ट्रैक में गाड़ी है किस में नहीं है वो स्टेशन मास्टर को क्लियर कट पता चलेगा विदाउट एनी फेल्योर। तो उसको बोलते हैं नॉर्मल ऑपरेशन ड्यूरिंग वाटर लॉगिंग कंडीशन, नॉर्मल ऑपरेशन ड्यूरिंग वाटर लॉगिंग कंडीशन। ये आपका जो साइलेंट फीचर्स हैं, मतलब जो गुण हैं इसके छुपे हुए जिससे कि हम लोग इसका यूज करते हैं, ये आपका